जेशु की मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, युवाओं को पॉप का संदेश, मसीह का प्रेम हमें मुक्त करता है। वेटिकन ने कलीसियाई विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन सीखने के नियम जारी किए। कनाडा में गिरजाघरों पर हमला जारी। सिंगापुर के पेरिस ने देखी फ्रांसीसी मिशनरियों की विरासत। कोविड-19 मामले में वृद्धि के बीच मनीला के कैथोलिक धर्म प्रांत ने पवित्र मिस्सा को किया रद्द। वियतनामी धर्म बहने कोरोना काल में दे रही है अपनी सेवाएं। चेन्नई में सात्यम टीवी के मुख्यालय पर हमला। बिशप ने भारतीय राज्य में पहले जेसुइट निवास का उद्घाटन किया। जेसुइट फादर का निधन, जिन्होंने गली के बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दे दी। भोपाल सामाजिक विज्ञान विद्यालय ने खोला नया परिसर। घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों और युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। अब जानते समाचार विस्तार से। युवाओं को पॉप का संदेश, मसीह का प्रेम हमें मुक्त करता है। 2 अगस्त को मेजोगोरे यूथ फेस्टिवल में एक संदेश में संत पिता फ्रांसिस ने युवा कैथलिकों से कहा कि ईसा मसीह की प्रेममयी निगाहें उन्हें मूर्तियों के प्रति आकर्षण से मुक्त कर सकती हैं। पॉप ने 2 अगस्त को कहा, अपने आप को प्रभु को सौंप कर और उनके साथ यात्रा पर निकल कर अपनी जवानी जीने का साहस रखें। वेटिकन ने कलीसियाई विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन सीखने के नियम जारी किए। कैथोलिक शिक्षा के लिए वेटिकन की मंडली ने पॉन्टिफिकल विश्वविद्यालयों को उन लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो आमतौर पर पूर्णकालीन रूप से कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, लेकिन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे कि कैदी, प्रवासी बेघर, भिक्षुक, चिंतनशील नन और यहाँ तक कि व्यस्त बिशप। दूरस्थ शिक्षा का उपयोग करके कलीसिया संकाय उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक संरचना को विस्तृत कर सकते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो एक तरह से या किसी अन्य प्रचार गतिविधियों में शामिल हैं। कनाडा में गिरजाघर पर हमला जारी। पिछले कुछ महीनों में कनाडा के कई गिरजाघरों पर हमले हुए हैं और करीब 10 गिरजाघरों को आग लगाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। कनाडा के वैंकूवर शहर में पुलिस ने गिरजाघरों पर हमले की कई घटनाओं को देखा है, जिसमें खिड़कियों पर पत्थर फेंकने एवं धमकी देने सहित 13 घटनाएं शामिल हैं। सरे के निकट कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर को 19 जुलाई को आग से नष्ट कर दिया गया था। घटनाएं कनाडा में गिरजाघरों के खिलाफ हिंसा की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। सिंगापुर के पेरिस ने देखी फ्रांसीसी मिशनरियों की विरासत। इस साल मार्च में चालीसा से पहले सिंगापुर में चर्च ऑफ द राइजन क्राइस्ट के पेरिस प्रीस्ट फादर एडवर्ड लिम ने अपने पेरिशियन से अनुरोध किया कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए रोजाना एक राशि अलग से रखें। चालीसा काल के अंत तक अभियान ने $26,000 एकत्रित किए थे। इसके बाद धन को गुड शेफर्ड धर्म बहनों द्वारा चलाए जा रहे गर्भावस्था संकट में किशोर लड़कियों और एकल महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा और आवासीय देखभाल के लिए एक बच्चों के घर अहुवा गुड शेफर्ड को दान कर दिया गया है। यह अभियान एक पेरिश के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गतिविधियों की एक श्रृंखला में से एक था जो पेरिश फॉरेन मिशन सोसाइटी से फ्रांसीसी मिशनरियों की विरासत है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच मनीला के कैथोलिक धर्म प्रांत ने पवित्र मिस्सा को किया रद्द। मनीला फिलीपींस के मेट्रो मनीला में कैथोलिक धर्म प्रांत ने कोविड-19 संक्रमणों में वृद्धि के बीच सार्वजनिक पवित्र मिस्सा बलिदान को 3 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। फिलीपींस के कैथोलिक बिशप सम्मेलन की समाचार सेवा ने 31 जुलाई को बताया कि पवित्र मिस्सा बलिदान 20 अगस्त तक ऑनलाइन होगी। जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर के अनुसार 108 मिलियन लोगों के देश में 3 अगस्त तक 1,605,762 कोरोना वायरस के मामले और 28,093 मौत दर्ज की गई है।
अधिकारियों को भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में वृद्धि का डर है। वियतनामी धर्म बहनें कोरोना काल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। वियतनाम के कोविड-19 ऊपरी केंद्रों में से एक डोंग नाई प्रांत में विभिन्न मंडलियों की 80 धर्म बहनों ने स्वेच्छा से कोविड-19 रोगियों के लिए फील्ड अस्पतालों और संगरोधक केंद्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। धर्म बहनें स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सेवा करते हैं, कोरोना वायरस संदिग्धों का चिकित्सा जांच की पेशकश करते हैं, लोगों का टीकाकरण करते हैं, समुदाय से परीक्षण के नमूने लेते हैं और स्वास्थ्य घोषणाएं प्राप्त करते हैं। जो लोग कंप्यूटर पर डेटा इनपुट को प्रोसेस करते हैं उन्हें 24 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है ताकि अधिकारी संक्रमण का पता लगा सके और उन्हें अस्पताल या संगरोधक सुविधाओं में ले जा सके। चेन्नई में सात्यम टीवी के मुख्यालय पर हमला। एक व्यक्ति ने एक प्रचारक मोहन सिंह लाजर द्वारा प्रचारित चेन्नई में एक लोकप्रिय सैटेलाइट चैनल सात्यम टीवी के मुख्यालय पर हमला किया है। चैनल द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि 3 अगस्त को तलवार और ढाल लिए एक व्यक्ति ने चैनल की संपत्तियों में तोड़फोड़ की। बिशप ने भारतीय राज्य में पहले जेसुइट निवास का उद्घाटन किया। भारत में जेसुइट ने अपना पहला निवास पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में खोला है। जामतालीवाड़ी में अरुपे इनका उद्घाटन 31 जुलाई को अगरतला के बिशप लूमेन मोंटोरोई द्वारा विश्वासियों की उपस्थिति में किया गया था, जो लोयला के जेसुइट संस्थापक इग्नासियस का पर्व है। बिशप मोंटोरोई ने बताया, हम अपने धर्म प्रांत में उनका स्वागत करते हैं और नए मंत्रालय में प्रवेश करने पर उन्हें हमारी प्रार्थना और समर्थन की कामना करते हैं। वे धर्म प्रांत में सामाजिक देहातियों शिक्षा के क्षेत्रों में लगे रहेंगे। 2018 में दो जेसुइट मिशनरी बाबू पॉल और जेम्स मोरियास दक्षिणी राज्य केरल से जामतालीबाड़ी आए। जेसुइट फादर का निधन, जिन्होंने गली के बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दे दी। 1970 में फादर प्लाजिडो फोंसेका मुंबई में एक जेसुइट पहल स्नेह सदन के निदेशक बने, जिसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों को उनके पैर और उनकी गरिमा खोजने में मदद करना था। स्नेह सदन भारत में बाल कल्याण के लिए एक आदर्श बन गया। फादर फोनेस्का को उनके काम के सम्मान में 1985 में बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। जब 31 जुलाई को 84 वर्ष की आयु में फादर फोनसेका का निधन हुआ तो कई स्नेह सदन के पूर्व छात्रों ने अपना दुख व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनमें से एक 41 वर्षीय अमीन शेख भी थे, जिन्होंने अपना कैफे शुरू करने से पहले कई साल स्नेह सदन में बिताए थे। भोपाल सामाजिक विज्ञान विद्यालय ने खोला नया परिसर। भोपाल के आर्चबिशप लियो कॉर्नेलियो ने 3 अगस्त को भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस का एक नया परिसर खोला, जिससे व्यावसायिक शिक्षा को बदलने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद है। नया विशाल परिसर उन्नत अध्ययन संस्थान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अरेरा कॉलोनी आशा निकेतन परिसर में स्थापित किया गया है। आर्चबिशप कॉर्नेलियो ने उद्घाटन समारोह में कहा है कि यह व्यवसाय प्रशासन के क्षेत्र में करियर की इच्छा रखने वाले छात्रों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से संपन्न है। घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों और युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन एवं ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में विगत सप्ताह सेंट रफाइल स्कूल के प्रांगण में घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए निम्न विषयों युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव व भविष्य प्रगति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन कार्यक्रम में इंदौर शहर की 14 बस्तियों से कुल 170 बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया, जिसमें प्रवक्ता सिस्टर गंगा रावत और श्री आकाश जंगरा थे। आरती जी ने बताया कि सिस्टर गंगा रावत जी ने हमें करियर गाइडेंस के विषय पर बहुत ही सरल और सहज भाषा में अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें महात्मा गांधी जी की विचारधारा सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने की अति आवश्यकता है। अभिषेक चौहान ने जानकारी दी कि आकाश जंगरा सर ने युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव को समझाते हुए बताया कि आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन में अहम स्थान रखता है। उन्होंने खास करके इस कोरोना महामारी में इसकी उपयोगिता को गहनता से समझाया, साथ ही साथ इसके लाभ और हानिकारक प्रभाव ऑनलाइन क्लासेस की भूमिका पर भी जोर दिया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए।
अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।